हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निक साहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल भिलवाड़ा बर्ड्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लव बर्ड्स के बारे में। जी हां, लव बर्ड्स के बारे में आज आपको मैं अपने लव बर्ड्स की अपडेट दूंगा, जो कि मैंने इनको कब ख़रीदा, इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी है, इन्होंने कितने अंडे दिए, ये सब बातें इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में अपने लव बर्ड्स की अपडेट आपको दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अपने लव बर्ड्स को अक्टूबर महीने, आज से लगभग 2 महीने पहले इनको परचेज किया था और 2 महीने से ये मेरे पास हैं। मैंने अपने लव बर्ड को 1 महीने तक दोनों को एक बड़े केज में रखा, लेकिन इनका पैर नहीं लगा तो मैंने इनको वापस छोटे केज में लाकर रख दिया और 1 महीने तक इनको ना ही मटकी प्रोवाइड करवाई और कुछ भी नहीं दिया। मैंने अपने लव बर्ड को खाने में ओनली फॉर कंगनी, बाजरा और हाँ जी दोस्तों, ब्रीडिंग के लिए मैंने अपने लव बर्ड को इवोन 400 जो कैप्सूल आता है वो बाजरे में मिला के दिया था, जिससे कि इस बार उन्होंने बहुत अच्छी ब्रीड की है। मेरे लव बर्ड का पैर लग गया और 1 महीने के बाद मैंने अपने लव बर्ड के लिए मटकी लगाई। आप देख रहे होंगे मेरे लव बर्ड ने अंडे लेग कर दिए। इस पहले क्लच में उन्होंने 4 अंडे दिए, जो कि बेहद ही खुशी की बात है। आप भी अपने लव बर्ड को अगर कहीं से परचेज कर रहे हैं तो पहले कंफर्म कर लें कि वो मेल हैं या फीमेल हैं, और किसी भी ब्रीडर भाई या पेट शॉप से लेने से पहले पता कर लें कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। तो आप देख रहे हैं वीडियो में जैसे कि मेरे लव बर्ड ने 4 अंडे ले किए हैं और ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपने भी अपने लव बर्ड को इवन 400 का कोर्स करवाना है, जिससे कि आपको आपके लव बर्ड की ब्रीडिंग बहुत ही जल्दी हो सके। मैंने अपने लव बर्ड को मटकी प्रोवाइड नहीं करवाई थी। 1 महीने तक मैंने अपने लव बर्ड को ऐसे ही रखा था, जिससे कि वो फ्रेंडली हो गए और उनमें जोड़ा लग गया। जोड़ा लगने के 1 महीने बाद मैंने मटकी प्रोवाइड कराई और मटकी प्रोवाइड करवाते ही 15 दिन के अंदर इन्होंने 4 अंडे दिए। दोस्तों, मैं मेरे लव बर्ड को खाने में ओनली कंगनी दाना, बाजरा, ज्वार, मकई और मिक्स अनाज देता हूं और साथ ही सूरजमुखी के बीज देता हूं। आपको पता ही है अभी सर्दियां चल रही है और सर्दियों में लव बर्ड के लिए सूरजमुखी के बीज कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप भी अपने लव बर्ड की इसी तरह केयर करके और ब्रीडिंग ले सकते हैं, जैसा कि मैंने लिया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मेरे ब्रीडर भाई को मैं बता सकूँ कि मैंने लव बर्ड कब ख़रीदे। और हाँ जी दोस्तों, मेरे बहुत से ब्रीडर भाइयों के कमेंट थे कि सर आपने लव बर्ड कितने में ख़रीदे। तो सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये लव बर्ड मैंने ओनली फॉर 3000 रुपये पैर में ख़रीदा है, जो कि हमारे इधर बहुत ही कम है। मेरे को एक रिजनेबल रेट में ये मिल गया था, तो हो सके आपके इधर रेट कोई अलग हो, लेकिन आपको भी सेम इसी रेट में मिल जाएगा। आपको अपने लव बर्ड को पहले महीने में एंटीबायोटिक कोर्स करवाना है और उनको मटकी प्रोवाइड नहीं करवानी है। 1 महीने तक ऐसे ही उनको किसी केज में छोड़ दे, उनको फ्रेंडली होने दे। उनका जब पैर लग जाए, आपको लगे कि उनका पैर लगने लग गया है, उस टाइम पर आप उनको एक मटकी दे, और मटकी देने के 10-15 दिनों के भीतर ही उन्होंने अंडे दे दिए थे और आपके भी लव बर्ड 10 या 15 दिनों में अंडे दे देंगे। अब आगे देखते हैं कि ये लव बर्ड कितने दिनों में। देखिए दोस्तों, मेरे लव बर्ड ने पहले क्लच में 4 अंडे दिए, जो बेहद ही ज़्यादा है, और बहुत ही जल्द इन्होंने मेरे पास अंडे दिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरे ब्रीडर भाइयों और मेरे बर्ड शौकीन भाइयों को बताना था कि लव बर्ड के आने के कितने दिनों बाद मुझे अंडे प्राप्त हुए। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को दो महीने के भीतर ही अंडे मिल गए, और हो सकता है आपको भी आपके लव बर्ड 2 महीने के भीतर अंडे दे दें। तो आपकी और कोई भी परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ मेरे ब्रीडर भाइयों को लव बर्ड की बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था। मेरे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि मैं आने वाले समय में आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूँ।